दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। ठीक है, ये जो मेजरमेंट है ये 12 साल की बच्ची का मेजरमेंट है, ठीक ना, और शरीर का लिया गया मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट समझ लेते हैं, देख लेते हैं। बाही का लंबाई रहेगा 5 इंच का, गोलाई रहेगा 9 इंच का, आर्म होल रहेगा 13.5 इंच का, शोल्डर रहेगा 13 इंच का, लंबाई रहेगा 37 इंच का, चेस्ट रहेगा 28 इंच का, कमर रहेगा 22.5 इंच का और सीट रहेगा 32 इंच का। ठीक है, तो इसी मेजरमेंट से हम लोगों को आज एक कुर्ती का कटिंग सीखना है। और ये जो मेजरमेंट है इसमें हम लोग को लूजिंग रखना पड़ता है। चेस्ट में लूजिंग रखेंगे 4 इंच का, कमर में रखेंगे 4 इंच का और साइड कट जहाँ पे आता है हिप वहाँ पे रखेंगे हम लोग 2 इंच का लूजिंग। ठीक है, चेस्ट में 4, कमर में 4 और हिप में 2 इंच का। ठीक है, ऐसा लूजिंग रखना पड़ता है शरीर के मेजरमेंट लिया तो। ठीक है, तो कैसे कटिंग करना है चलिए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारा लंबाई रहेगा 37 इंच का, तो इस अस्तर को हमने अच्छे से प्रेस करके बिछा लिया है। ये बंद लाइन जो होता है दोनों लाइन ये मेरे तरफ लिया है और दोनों एक के ऊपर एक है, ऐसा आगे पीछे नहीं रखना है नहीं तो फिटिंग खराब जाता है। ठीक है, चलिए 37 लंबाई है तो 37 रख लिए, यहाँ से 37 पर मार्किंग लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से कमर का लंबाई लिया है 13 इंच का, तो हमने 13 पर एक मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब यहीं से सीट का साइड कट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 18.5 इंच पे, तो मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना रखना है ये भी देखते हैं, इसका भी मेजरमेंट निकालना पड़ता है, तो देखते हैं कितना रखना है और इसका मेजरमेंट समझते हैं पहले। ठीक है, पहले हमने शोल्डर को मार्किंग लगा लेंगे, उसके बाद से गले की चौड़ाई रखना है हमको 5 इंच, तो 5 का अगर 2.5 होगा तो 2.5 के यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, बता रहा हूँ ये मार्किंग कितने पे लगता है वो दिखा रहा हूँ। अब इनका शोल्डर जो है 13 इंच पे है। ठीक है, तो 13 का आधा होगा 6.5, तो 6.5 पे मार्किंग ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब चेस्ट जो है वो है 28 इंच का, तो 28 में प्लस 4 करेंगे, 28 29 30 31 32, 32 आएगा ना, तो 32 का चौथा भाग 8 आएगा यहाँ पर, तो 8 यहाँ पे रख देंगे ऐसे। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 इंच में 2 सूत कम कम कर देंगे यहां से। अब ये कितना बच रहा है अपना, ये 1.5 इंच का है तो आधा ही बच रहा है इसमें से। ठीक है, 1 इंच में 2 सूत कम बच रहा है, जितना कम किया है उतना ही बच रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो ये शोल्डर का मार्किंग थोड़ा नीचे खींच लेंगे और इस पे ही हम लोगों को शोल्डर डाउन करना पड़ता है। ठीक है, शोल्डर हम इसमें डाउन करेंगे 1 इंच में 2 सूत कम। ठीक है, छोटी बच्ची है हमेशा हम 1 इंच करते हैं, इसमें 2 सूत कम करेंगे डाउन, थोड़ा तो डाउन कर लेंगे पहले यहाँ से इतना यहाँ तक। अब ऐसे इधर डाउन हो गया हमारा, अब डाउन होने के बाद जो ये बचा है, जो बचा है इसमें से 1 इंच में 2 सूत कम, अब इसको उसको ऊपर माइनस कर देंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से माइनस कर देंगे और हमारा आर्म लोग कितना 13.5 का है, तो 6.5 पर 6.5 इंच 2 सूत पर ऐसे मार्किंग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे,
ठीक, इसको सीधा कर लेंगे, ये हमारा यहीं पाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही माप निकालते हैं इसका। ये थोड़ा समझने थोड़ा देर लगेगा मगर ये परफेक्ट होता है। अब ये हमारा कमर का हो गया, ये हो गया सीट का, ठीक है। अब देखिए हमारा कितना है, 28 4, 28 इंच शरीर का नाप है और 4 इंच लूजिंग, ठीक है, 28 4 32, 32 का चौथा भाग यहाँ पर रखेंगे, 8 इंच मार्किंग लग गया। ये चेस्ट का हो गया, ठीक है। कमर का लगाते हैं, कमर है 22.5 इंच का है, तो 22 23 24 25 26, 26.5, तो 26.5 का चौथा भाग आएगा आपका 13 इंच 1 सूत, ठीक है, यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, ठीक। अब यहाँ सीट का जो है उसका रहेगा, यहाँ पर साइड कट सीट दोनों आएगा यहाँ पर, तो 32 का हमारा है सीट, तो 32 2 34 होगा, तो 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच, मार्किंग लगा देंगे। अब यहाँ पर साइड जो ये घेरा है, यहाँ से 8.5 का आया, ये जो आया हुआ है ये 8.5 है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे 9 इंच, 9 लगाएंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 इंच का अपना दामन घेरा आएगा, ठीक है। अब देखिए चेस्ट को कमर से मिलाएंगे, कमर को हिप से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा यहाँ से खुला रहता है साइड कट, ठीक ना। अब इसको इसमें मिला देंगे ऐसे, ठीक है, सीधा ऐसे मिल गया। अब हल्का सा जितना फोल्ड करेंगे उसके लिए भी एक मार्किंग कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखिए अब ये आर्मर को उलाई देते हैं यहाँ से, अब देखते हैं। देखिए हमारा आर्मर कितना है, 13.5 इंच का है, तो ये 6.5 इंच 2 सूत का आना चाहिए, तो देखते हैं आता है क्या, उतना नाप लेते हैं। ये डाउन हुआ है, इस पे इधर से नापना है, ऊपर से नहीं नापना है, ये इंच नापना है, 6.5 इंच 2 सूत का आना चाहिए, ये देख रहे हैं एकदम 6.5 इंच 2 सूत का आप आ गया है, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक ना। ये देखिए परफेक्ट आ रहा है 6.5 इंच 2 सूत का। तो ये फार्मूला बहुत ही सुपर है और इतना ही आता है, जहां इसको आना चाहिए वही पाता है इस फार्मूले से, ठीक ना। अभी इसको हम लोग कट कर लेंगे ऐसे, ठीक ना, ऐसे कट कर लेना है इसको, ये देखिए इस अस्तर को साइड में रख देंगे। ये हमारा कुर्ती कट गया है, अब यहां पर चटका लगा देंगे। अभी चटका लगाता हूं मैं यहां पर, ये जो चटका लगाया हुआ हूं, कट किया हूं, ये क्यों किया हूं, ये मैं इसलिए करता हूँ, जब साइड कट जब हम लोग सिलते हैं पकड़ के, बाहें में लगाते पर रोका करते सिलते हैं, तो ये चटके पे चटका आना चाहिए, नहीं तो ये नीचे ऊपर खिसक गया तो ये बॉडी में सामने साइड में पीछे साइड में ये ऐठन होगा, तो झोल आने का 100% संभावना रहता है, इसीलिए चटके पर चटका आएगा, एकदम सीधा बैठेगा, फ्रेश बैठेगा, ठीक है। अब गहराई निकालना है फ्रंट का, तो गहराई निकालने के लिए हम लोग ये शोल्डर जो लाइन लगाए थे यहाँ से, तो यहाँ पर अंदर लेंगे 1 इंच, ठीक है, और इसको ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें से देखिए ऐसे गहराई निकालना है, सामने का पल्ले का गहराई ये देखिए से निकालना है, ये हमारा इतना निकालना पड़ता है गहराई आपको, मैं ये देखिए ये सामने से निकालना पड़ता है इतना कपड़ा, ये कपड़ा नहीं निकालेंगे तो आर्म होल में झोल पैदा करता है, ठीक है, निकालना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर गले का चौड़ाई का चटका लगा देंगे, ठीक ना, ये हो गया। एक बार इससे मार्किंग कर ले रहे हैं,
क्योंकि जब हम लोग सिलाई करते हैं, ये तो मार्किंग दिख रहा है यहाँ से, अब ये मार्किंग इधर कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए इस जब इससे मार लेंगे तो ये मार्किंग जो है, ये वाला लाइन पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चारों पल्लों पे मतलब तो दोनों साइड में दिखता है, आ जाता है, ठीक ना। चलिए हो गया, अब हम पीछे की डार्ट का मार्किंग सीखेंगे। ऐसे कर लेंगे, ये जो नाप है ना, ये जो चरका लगाया था कमर के भाग का, इसी पे सीधा सीधा लाइन मारना है। और ये देखिए हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ये मार्किंग इधर भी आ गया है, ये चारों तरफ मार्किंग ये छप जाता है, ये देखिए चला गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर कितना आता है ऐसे देखेंगे, और इसको ऐसे उठा कर ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसका हाफ एकदम हाफ पैसे आ जाएगा, इसको जो है सीधा कर लेंगे। और सीधा करने पर इस लाइन से 3.5 इंच ऊपर, और इस लाइन से देखिए 4 इंच नीचे, ठीक है, ऐसा आ गया, ये हमारा डार्ट का मार्किंग हो गया। ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये हमने कमर में 4 इंच का लूजिंग दिया था, वहाँ पर अगर आपको डार्ट नहीं लगाना है तो 3 इंच का लूजिंग दीजिएगा, चेस्ट में 4, कमर में 3, और यहाँ पर सीट में 2, ठीक है, ये मीडियम फिटिंग के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको ये डार्ट लगाना है तो लूजिंग रहेगा 4 इंच का, कमर में 4 इंच से चेस्ट में 4 इंच, कमर में 2 इंच सीट पे, ठीक है, ये मीडियम फिटिंग का लूजिंग है, लूज फिटिंग के लिए 5-5 इंच डालिएगा, 5-5.5 इंच का, ठीक है। तब इसका गला हम लोग कट कर लेते हैं, पीछे गला जो रहेगा छोटा सा गोल गला रहेगा, बंद गला, इसको बंद गला ही बोलते हैं, एक कट गया, ठीक। अब इस पर जरा मार्किंग कर लेते हैं, ठीक ना, ये हो गया। अब सामने की जो गला है उसका मार्किंग कर लेते हैं, गला हमारा रहेगा सामने वाला 5.5 इंच का रहेगा, तो हमारा आ गया 5.5 इंच यहाँ से आएगा, ठीक है, तो रखेंगे यहाँ से मार्किंग कर लेंगे सीधा, और ऐसा हम लोग बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो गला है कर्वी भी, मतलब गुलाल भी गला रहेगा ऐसे, ठीक है, ये देखिए ऐसे गला काट देंगे हम लोग, ठीक हो गया, ये हो गया हमारा कुर्ते का कटिंग, ठीक है। अब इसका जो मेन कपड़ा है उस पर रखकर कटिंग करेंगे, ये मेन मेन जो फैब्रिक है उसका, इस पर रखकर कटिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रेस करके इसको काट लेते हैं, ये हमने मेन कपड़े को प्रेस कर लिया है और बिछा लिया है, ठीक है। अब इसको इस पे ऐसे रख देंगे, ये देखिए ऐसे सीधा रखना है इसके ऊपर, ठीक ना, ऐसे रख कर सब इसको ठीक से अच्छे तरीके से बराबर कर लेना चारों तरफ से, ठीक ना, ऐसे बराबर करने में यहां से बराबर कर लेंगे, एक भी इधर आगे पीछे नहीं रहेगा, एक बराबर कटिंग करना है, नहीं तो क्या होता है फिर फिटिंग खराब हो जाएगी। देखिए मैं रख लिया है और सीधा हो गया है, इसको वैसे कट कर लेंगे, ठीक ना। ये जो मेन फैब्रिक है इसको आधा इंच चारों तरफ से आधा इंच बड़ा रख के कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहां से बड़ा रखा है, ठीक है, नीचे से कट नहीं करेंगे इसको, तो ये था हमारा आज का अस्तर वाली कुर्ती का कटिंग। अगर पाए कटिंग के बारे में सीखना है तो वीडियो अपलोड है चैनल पे, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ाइए मास्टर जी की बुटीक को। मिलते फिर अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।